प्रिय किसान भाइयों, आप लोगों में से कुछ लोग फूलों की खेती करते होंगे और उससे अच्छी आय प्राप्त कर रहे होंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप अधिक से अधिक फूल उत्पन्न कर सकें। किसान भाइयों, सर्वप्रथम आप भूमि का चुनाव करें। दोमट मिट्टी जिसमें कंपोस्ट खाद अधिक होती है, सड़ी खाद आप उसमें मिलाएं। सड़ी खाद मिलाने से मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी उत्पन्न होते हैं जो आपके पौधे के लिए बहुत ही लाभकार होते हैं। तो आप अच्छी दोमट मिट्टी में सड़ी हुई खाद डाल करके ही फूल के पौधों का रोपण करें और अच्छा फूल प्राप्त करें, ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करें। आप अपने पौधों में फास्फोरस युक्त खाद दें जिससे कि आपके पौधे ज़्यादा फूल देंगे। नाइट्रोजन यदि आप अधिक देते हैं, पौधे में वनस्पति की वृद्धि होती है और फूल कम आते हैं, इसलिए उसमें फास्फोरस की मात्रा आप अधिक रखें जिससे कि फूल अधिक आए। आजकल फास्फोरस को पानी में घोल करके दिया जाता है। शुद्ध जल जो होता है उसमें 61% होता है, 9% उसमें अमोनियम युक्त नाइट्रोजनस खाद होती है और 30% उसमें फास्फोरस होता है और ये घोल के रूप में होता है। यदि इस खाद का आप प्रयोग करेंगे तो आपके बागीचे में फूलों की संख्या बढ़ जाएगी और आपकी आय बढ़ेगी। आप जानते हैं कि किसी भी पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए धूप की आवश्यकता होती है, अतः आपका जो फूलों का बागीचा होना चाहिए वहाँ पर्याप्त धूप मिलनी चाहिए। वैसे कुछ पौधे आपके पास ऐसे भी होंगे जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो छाया में होते हैं, ऐसे पौधों के लिए आपको छाया युक्त जगह का चयन करना पड़ेगा। ऐसे पौधों को आप छाया वाले पौधों में जगहों पर जहाँ छाया हो वहाँ उगाएं। बाकी जो सूर्य की रोशनी को पसंद करते हैं उनको धूप में रखें तो आपकी फूल की फसल अच्छी होगी, फूल ज़्यादा आएंगे। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि पौधे जड़ के द्वारा पानी और पोषक तत्व लेते हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखना है, यदि आप अपने बागीचे में निराई गुड़ाई करते हैं तो पौधों की जड़ें ना खराब हों, ना नष्ट हों, ना कटें, इसका ध्यान रखिएगा तो आपके पौधों में फूल आना कम नहीं होगा, फूल आना यथावत जारी रहेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, एक बार मैं मल्चिंग पर एक वीडियो बनाया था। यहाँ फूलों के बागीचे में भी यदि आप खाली जगह पर सूखा पत्ता या लकड़ी का बुरादा, इस तरह का कोई चीज़ यदि आप पसार देते हैं, फैला देते हैं पौधों के बीच बीच में, पौधों के लाइनों के बीच में, इससे आपके खेत से पानी उड़ता नहीं है, सिंचाई कम करनी पड़ती है और साथ ही इस मल्चिंग मटेरियल से भी आपके पौधों को खाद मिलता है, खरपतवार आपके बागीचे में नहीं होता है, ये भी आपके फूलों के उपज में वृद्धि करेगा। किसान भाइयों, मल्चिंग वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उचित मात्रा में सिंचाई करें, यदि आप अधिक सिंचाई करेंगे तो वनस्पतिक वृद्धि होगी और यदि आपके भूमि में पानी कम हो जाएगी तो पौधे मुरझा जाएंगे और फिर उनमें फूल उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाएगी। अतः सिंचाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी उचित मात्रा में दें, न पानी अधिक हो और न ज़्यादा हो। आपके खेत में पोटैश की भी आवश्यकता होगी और पोटाश डालने से भी फूल की लाइफ बढ़ती है,
उसका सुगंध बढ़ता है, यानी तमाम गुण जो हैं फूल में आ जाते हैं। इसलिए आप रा पोटैश या घोल के रूप में पोटाश दें। इसके लिए आपको शुद्ध पानी की आवश्यकता होगी और उसमें जितनी पानी की मात्रा हो उसकी आधी मात्रा पोटाश की मिलाएं। इस तरह के घोल को आप अपने पौधों में पानी खाद में ज़मीन में डालते हैं तो आपकी उपज अच्छी होगी। इसके लिए 1/16 चाय के चम्मच या 1/8 चाय के चम्मच को 18 लीटर पानी में डालें और इस घोल को अपने पौधों में डालेंगे तो आपके खेत में फूल अधिक आएगा। किसान भाइयों, एक दूसरी बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप मोलेसिस है या आप कहीं गन्ने का खोइया रखें जिसे हम बगास कहते हैं, यदि वो पानी में भीग रहा है और भिगो रहे हैं आप और उसका जो जूस निकल रहा है उसमें कुछ ना कुछ चीनी होती है, इसे शुगर बेस्ड फर्टिलाइज़र कहते हैं, यदि इसका भी उपयोग अपने खेत में करें तो फूलों की का उत्पादन काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सुने होंगे ठीक से, और सुने हैं तो अपने फूलों की खेती में इसका प्रयोग करें, अधिक से अधिक फूल प्राप्त करें और अधिक से अधिक पैसा कमाएं। धन्यवाद।